हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। जी नियाज वर्ल्ड में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ व्यूवर्स। आज की वीडियो में आइडियाज़ वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ मेहंदी के खूबसूरत फिंगर मेहंदी डिज़ाइनिंग है जो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत है। चूँकि रमज़ान मुबारक आ रहा है तो आजकल इस ट्रेंड में आपको जो है जो रमज़ान मुबारक में बच्चियाँ फिंगर पे मेहंदी लगाने का बहुत शौक होता है, यानी कि आज सुबह शाम को कहीं अफ्तारी है या हमारे घर इफ्तारी पे किसी ने आना है तो बच्चियाँ खूबसूरत खुद को तैयार करती हैं कि हम अच्छी लगें, थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगाते हैं। और मेहंदी तो बच्चियों की एक शान होती है, तो आप इसके लिए ज़रूर इसको देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही खूबसूरत और प्यारे मेहंदी के सिंपल और प्यारे डिज़ाइनिंग हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान ये इसमें है सारे डिज़ाइन, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है सबको ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग आती हो, सब डिज़ाइनिंग बनाएं और ट्राई करें, लेकिन ये है कि इसमें एक सिंपल सिंपल थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगी हुई, इसी मेहंदी से हम बहुत ही खूबसूरत और प्यारे बच्चों को ये सबको देखो एक तरह यानी कि बैक हाथ पे लगाए हुए फिंगर पे सारे डिज़ाइनिंग है। ये थोड़ी हैवी मेहंदी है, हैवी मेहंदी भी बच्चियाँ अगर जिसको बच्चे को लगाना आता हो तो 10-15 मिनट में वो अपना हैंड कंप्लीट कर लेती हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी बस मैं आपके लिए कुकिंग और जो है रेमेडीज लेकर आती हूँ। आजकल आना शुरू किया है क्योंकि हम नंदबा भी जो अकट्ठी मैं जीनिया को सिखाना शुरू किया है कुकिंग, तो मैंने कहा आप अपनी बच्चियों को कैसे सिखाएंगे, तो इसके लिए मैं आप प्लीज़ मेरी वीडियो को देखिएगा, कुकिंग की वीडियो को देखिएगा, आप बहुत ज़्यादा आपको आइडियाज़ मिलेंगे, सॉरी बहुत ज़्यादा उसमें आपको पकाने की रेसिपी सिंपल और आसान तरीके से घर की जो सारे यानी कि मिसाला जाते हैं उसके कोई बाज़ार की चीज़ नहीं उसमें डालेंगे। हम घर के सिंपल सालन कैसे बनाएं, हम अपने रमज़ान मुबारक में हम अपने जो घर वाले हैं उनकी मैदे का ख्याल रखते हुए हम कैसे अच्छी तरीके से सालन पकाएं कि उनकी सेहत का भी ख्याल रहे और सालन भी अच्छा पके। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमारी ये आपको काविश कैसे लगी। हम आज कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छा इसमें दें जो है, अच्छे से आइडियाज़ दें, अच्छी अच्छी आपको फैशन से रिलेटेड भी मैं आपको हर चीज़ लेकर आऊँगी कि आपके लिए क्या है फैशन और इस रमज़ान मुबारक में कौन सा नया ट्रेंड चला है और इस रमज़ान मुबारक में आपको किस तरह अपने आप को संवारना चाहिए, अपने घर वालों को खाने पका कर खुश करना चाहिए, ये सब लेकर आऊँगी। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।